जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। लीजिए, आज आपके लिए मैं कम तेल की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, क्रिस्पी है और अंदर से सुपर सॉफ्ट है। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके लिए लाती रहूँगी। देखिए, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है ये और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट भी। एक 3 से 4 चम्मच तेल में हमारी बनके तैयार हो गई है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा इसे बनाने में। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 स्वीट कॉर्न लिए हैं, इन्हें आप इस तरह से चाकू से इसके दाने निकाल लीजिएगा। आप चाहे तो इसे मिक्सर में पीस सकते हैं, पर मिक्सर में ज़्यादा बारीक पेस्ट हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा, इसका टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। फिर अब इस तरह से चाकू से सारे दाने निकाल लीजिएगा। ये करीब 4 भुट्टों के दाने निकाले थे मैंने। ये इस तरह से इसका टेक्स्चर होना चाहिए, बड़ा बड़ा, ज़्यादा बारीक भी नहीं। तो इस तरह से बनाने से क्या होगा ना, ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी होंगे, तो टेक्स्चर भी अच्छा आएगा। चलिए, इसमें मैं यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज काट लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, तो इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा ही डालिएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। और एक मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, जो इस तरह से मैंने कद्दूकस कर ली है, उसे डाल देंगे। यहाँ पे हम इसमें आधी शिमला मिर्च डाल देंगे, जिसे बारीक बारीक काट लिया था, आधा कप के करीब है। अब यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली है। इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि स्वीट कॉर्न थोड़ा मीठा होता है, तो ज़्यादा मिर्ची डालने से क्या होगा, इसका टेस्ट अच्छा चटपटा हो जाएगा। यहाँ पे एक लगभग 2 छोटे चम्मच के करीब अदरक ले लिया था कद्दूकस, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब बेसन डाल लिया है। अब पूरा बेसन एक साथ मत डालिएगा, और 1/4 कप के करीब चावल का आटा है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर और 3 चम्मच धनिया पाउडर है। इसे हमें थोड़ा सा स्पाइसी ही रखना है। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच भर के चाट मसाला, जिससे इसका बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। यहाँ 2 चम्मच के करीब हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, जिससे अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से। अब आप इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लीजिएगा, जिससे हम इसे अच्छे से मिक्स कर सकें। अब इसे हमें तीखा ही रखना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे अच्छे से दबा दबा कर हमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब्जियां ही ना पानी छोड़ देगी। इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे टेक्सचर थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल दिया मैंने, इसलिए मैंने कहा था बेसन एक साथ पूरा मत डालिएगा, अगर आपको लगे तो बाद में और डालिएगा। तो इस तरह से ये बाइंड होना चाहिए, मतलब कि हमारा मिक्सचर परफेक्ट है। तो आप इस तरह से दबा कर देख लीजिएगा। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच के करीब, जिससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। बैटर को हमने 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था, जिससे कि और अच्छा मॉइस्ट हो जाए। अब देखिए, हमारे कॉर्न अच्छे से बाइंड होने लग गए हैं, मतलब ये बनाने के लिए रेडी हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, 1/4 कप के करीब, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके टिक्की बनाएंगे। हाथ में हम इसके लिए पहले थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, जिससे कि हमारे हाथ में चिपके ना और इजीली टिक्की बन जाए। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना पड़ेगा, 1 या 2 बार ही बस। अब इस तरह से नींबू से थोड़े बड़े साइज़ के हमें गोलियाँ ले बना लेनी है, लोई जैसी। इसे हल्का से हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से चपटा करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो ये बिखर जाएगी। बस इसी तरह से हमें इस साइज़ की सारी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं, पर ये शेप बनाना ज़्यादा ईजी है। आप चाहे तो इन्हें अप्पे पेन में भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको इन्हें राउंड शेप देना पड़ेगा, उसमें भी ये इतनी ही क्रिस्पी बनेगी। पर मैं यहाँ इन्हें टिक्की का शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें पेन में सेकना है। देखिए, इस तरह से सारी टिक्कियाँ रेडी कर लीजिए। अब हम इसके लिए एक पैन में लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब हमने
ऑयल ले लिया है, इसे हम इस तरह से फैला लेंगे पूरे पैन। इसके लिए हमें चौड़ा पैन लेना है ताकि हमें इसे सेकने में आसानी हो। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें अपनी टिक्कियाँ एक एक करके रख देनी है। देखिए, थोड़ा ध्यान से रखिएगा आपका हाथ ना जल जाए, ये तेल बहुत गर्म है। बस इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ इसमें रख देंगे। देखिए टिक्की का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, हमें इसमें एक एक कॉर्न दिख रहा है। अब 4 से 5 मिनट बाद हमें इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। अगर आपको पलटने में दिक्कत हो रही तो इस तरह से चाकू और एक चम्मच की सहायता से इसे पलट दीजिएगा। अब इसे फिर से 3 से 4 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे, तब तक इसे कुक होने देते हैं। हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप से थोड़ा कम पुदीना, 1/4 कप रफली चॉप धनिया लिया है हरा, और 5 से 6 हरी मिर्ची ली है। हमें चटनी थोड़ी तीखी रखनी है, और 2 लहसुन की कलियाँ हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो आप मिर्ची कम कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक डालेंगे और 1/2 चम्मच के करीब जीरा, इससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ 2 से 3 छोटे चम्मच के करीब मैंने दही डाल दिया है। इस तरह से हमें चटनी बारीक पीस लेनी है। ये रेडी है। हम अपने वड़े चेक कर लेते हैं, इन्हें हम इस तरह से फिर से पलट लेंगे। देखिए बहुत अच्छे क्रिस्पी हुए हैं ये। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको एक बार और पलट सकते हैं, पर अभी रेडी है। अब हम ये सॉफ्ट कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर इसी पैन में रहने देंगे ताकि और अच्छे क्रिस्पी हो जाए। कि वीडियो स्किप मत करिएगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप मिस कर सकते हैं, नहीं तो आपके वड़े भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह से हमें वड़े सर्व कर लेंगे। लग रहे हैं ना कितने टेस्टी और टेम्पटिंग से, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। आपको ये देख के लगेगा ही नहीं कि आपने इन्हें डीप फ्राई नहीं किया है। बन गए हमारे वड़े बिल्कुल कम तेल में, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो इसे आप चटनी के साथ और इस तरह मसाला छाछ के साथ इंजॉय करिए। मसाला छाछ की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए वड़े हमारे सुपर क्रिस्पी हुए हैं, ऑयल इन्होंने बिल्कुल नहीं पिया है, और अंदर से भी इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो आप इन्हें बनाइए, ये बच्चों से लेकर बड़ों को तक सबको बहुत पसंद आएंगे, और मेहमानों को खिला देंगे तो उन्हें तो यकीन ही नहीं होगा कि आपने इन्हें फ्राई नहीं किया है। आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में या फिर स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। तो एंजॉय करिए। बाय।